पे सिर लगा रखे हैं। दोस्तों देखो कितना पुराना मंदिर है और यहाँ पे यहाँ बकरों के वो सिर लगा रखे हैं इन्होंने। ये देखो जैसे पिछले साल भी आई थी तो यहाँ पिछले साल हम आए थे प्रिया दी के साथ बाहर का। तो सनराइज हो चुका है घर घर महादेव घर घर महादेव। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों अभी है हम मनाली में और मनाली और इधर मनाली में अभी स्नो वगैरह कुछ पड़ी नहीं है। सोलंग वैली में स्नो पड़ चुकी है और कुछ ऐसा सीन है बाहर का। यहाँ पे स्नो नहीं है और उस तरफ उस पहाड़ पे जो ये सामने दिख रहा है ना ये वाला पहाड़, तो यहाँ पे स्नो है। और सोलंग वैली में कल स्नो पड़ चुकी है और अटल टनल के पास स्नो पड़ चुकी है और शिशु वैली के पास स्नो पड़ चुकी है, कोक्सर में स्नो पड़ चुकी है। और बाकी की अपडेट आपको बाद में देता हूँ। इस ब्लॉग के साथ बने रहना और इस ब्लॉग को पूरा देख लेना। आज आपको हिडिंबा देवी माता के दर्शन करवाएंगे। ये तैयार हो चुकी है सोनल, स्नेहल, हनी भी तैयार है और नीतू भी तैयार है। हमने इसलिए तैयार नहीं हुए क्योंकि हम मेंटली तैयार हैं। तो दोस्तों ये हमारा होटल है यहाँ पे, जिस होटल में हम रुके हैं तो उसका नाम और इसकी कितने पैसे हमारे लगे तो आपको बता देंगे। रूम कैसे हैं सारा बताता हूँ और थोड़ा रूम वगैरह साफ हो जाए फिर दिखाता हूँ आपको यहाँ का। तो हमारे होटल से जो हमारे टेरिस है वहाँ का ऐसा व्यू आ रहा है बाहर का। तो सनराइज हो चुका है तो वो देखो यहाँ पे स्नो वगैरह है इस पहाड़ों पे, उस पहाड़ पे है और थोड़ा वो पहाड़ पे है, यहाँ पे है। तो दोस्तों अभी कुछ हमारा टेरेस दिखाता हूँ होटल का, कुछ ऐसा बना रखे हैं उन्होंने। हाँ रमन भाई बताइए कैसा माहौल है, कैसा रहा? सही रहा, एंजॉय किया पूरा रात को। पता नहीं था इतनी अच्छी लोकेशन है पर रात में पता क्या ठंड भी थी यार काफी। आज रात में ऊपर आएंगे, आज रात में हम ऊपर आके ना यहाँ बैठेंगे, इनको बोलेंगे बोन फायर का कर दो है ना। तो नहीं होगी, नहीं हो पाएगी ना, तो हम यहाँ पे लाइट लूट ऑन करके तो बैठ सकते हैं। तो अभी हम जिस होटल में रुके थे वो होटल ये है और माता हिडिंबा देवी का टेंपल जस्ट 100 मीटर दूर है और इस होटल का नाम है सूरज इन। अभी तो चलो, और अभी तो सीजन ऑफ है, अभी यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह नहीं हुई, स्पेशली मनाली में सोलंग वैली में हो चुकी है और हिडिंबा देवी मंदिर के बिल्कुल साथ है। अभी यहाँ पे 1000 रुपये का 1000 का रूम मिल गया था हमें, एक रूम 1000 का, हमने 3 रूम ले लिए थे और हम 2 दिन रुके तो हमारा 6000 रुपये बन गया। तो गीजर है यहाँ पे, थोड़ा लाइट का हल्का सा इशू है लाइट का, मतलब आप सुबह जल्दी उठ के नहा लो, नहा धो लो तब रेडी होके माता हिडिंबा देवी टेम्पल में आप दर्शन कर लेना। जैसे कि हमारा होटल इस तरफ है और माता हिडिंबा देवी ये है, इसके बिल्कुल सामने मंदिर है। तो नीतू जय माता दी, जय माता दी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, 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 जय माता दी। और अब हिडिंबा देवी टेम्पल चल रहे हैं जो देवदार के वृक्षों के बीच में है। तो ये दोस्तों ये है याक, इसके कितने कितने पैसे हैं? 1000 रुपये। ठीक है ठीक है ठीक है। दोस्तों ये
यहाँ की सवारी करनी है तो 400 रुपये। तो ये है हडिम्बा देवी टेम्पल, उधर है घटोत्कच का टेम्पल, उधर भी जाएंगे। और ये है देवदार के वृक्षों के बीच में माता हडिम्बा देवी का टेम्पल, और ये है देवी स्थान माँ हडिम्बा देवी। तो दोस्तों ये भी स्थान है, इसके ऊपर आप पैर पूर वगैरह ना रखे तो अच्छी बात है नहीं तो। तुम क्या करने लगे यहाँ पे? जय माता दी, जय माता दी। ड्राई फ्रूट कितने का पैकेट है? अच्छा चलो आते हुए देखते हैं, ठीक है। हडिम्बा देवी के प्रांगण में तो कुछ ऐसा है यहाँ पे, और अभी काफी बंदे आने लगे हैं और टाइम हो चुका है, टाइम कितना हो गया, नीचे पीछे करना इसको, टाइम नहीं होना, 9:47। हमने प्लान बनाया था कि हम तो अभी हमने प्लान बनाया था कि हम 8 बजे निकल जाएंगे, तो कितने पैसे ले लेने, पैसे वाले सिस्टम नहीं, आगे माथा टेक लेंगे बार, फिर करके आते हैं, इधर से ही आएंगे, नहीं नहीं इधर से ही आएंगे, इधर से ही आएंगे। जैसे कसौल में भी था तो आप यहाँ पे अपनी हिमाचली ड्रेस लगवा के फोटो खिंचवा सकते हो, जैसे वो देखो सामने, वो देखो देखो सामने फोटो खिंचवा रहे हैं बंदे, तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ हिमाचल के ट्रेडिशनल सामान बड़ा है। वो रास्ता था जो हमने एंट्री लिया, हमने बैक साइड से ले ली, तो वैसे मेन रास्ता आगे से है इधर से, तो इसकी हिस्ट्री मैं आपको सारी बता दूंगा। ये देख लो कितनी बड़ी चट्टान है, बहुत बड़ी है। मंदिर जाने का रास्ता उधर से है, इधर से बंद किया हुआ है। ये है हडिम्बा देवी टेम्पल, तो ये कुछ ऐसा है रास्ता इधर से है हडिम्बा देवी का। ये देखो देवदार के वृक्षों के बीच में एक खूबसूरत सा मंदिर माता हडिम्बा देवी टेम्पल। सोनल पहले हम ऐसे करते हैं, उसके बाद जितनी मर्जी फोटो पहले मत्था टेकते हैं। तो ये है माता हडिम्बा देवी का टेम्पल, जो हडिम्बा देवी है वो भीम की घरवाली और घटोत्कच की माँ। चलो चलो दोस्तों, देखो कितना पुराना मंदिर है, और यहाँ पे यहाँ बकरों के वो सिर लगा रखे हैं इन्होंने। नहीं तो जय माता दी, जय माता दी। चलो चलो मत्था, चलो मत्था देखते हैं। मैं यहाँ वैसे पिछले साल भी आई थी, तो पिछले साल हम आए थे प्रिया जी के साथ। तो दोस्तों ऐसी कारीगरी करी हुई है मंदिर के ऊपर, और देखना सर लगा रखे हैं। तो देखो ये ना बकरों के मतलब जो हमारे जो भेड़ होती है उसके सिर है ये। ये देखो ये तो ये हो जाएगा,
ओ जय माता दी। कैसे हुए दर्शन? बहुत अच्छे हुए, ऐसे लग रहा है मतलब हम सबसे प्राचीन उसमें आ गए हैं, पांडवों के टाइम पे उसमें। तो ये पांडवों के लोकेशन देखो, इन बड़े बड़े पेड़ में लोकेशन गाइस, लोकेशन जब भी आप मनाली आओ तो यहाँ पे जरूर आना और माता हरिम का देवी जी के दर्शन करेंगे, करना जरूर है। तो दोस्तों ऐसा है माता हडिम्बा देवी जी का टेंपल, तो वहाँ पे ना इस तरफ से वहाँ पे वो देखो वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ पे वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो आप यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करके इस तरफ से मंदिर के आगे से आ सकते हो। यहाँ पे कहा जाता है महामाई को, और घटोत्कच भीम का पुत्र था, आपको हडिम्बा देवी का बता देता हूँ। तो जब अज्ञातवास में पांडव मनाली में आए तो यहाँ पे माता हडिम्बा देवी से उनकी मुलाकात हुई और भीम का विवाह हडिम्बा देवी से एक ही शर्त पे हुआ था, भी जब तक पुत्र नहीं होता तो भीम उनके साथ ही रहेंगे, और जो कुंती थी तो उन्होंने हडिम्बा देवी को यहीं पर छोड़ के आगे के लिए प्रस्थान कर गए थे, उनको एक जगह पे रुकना नहीं था इसलिए। तो बाद में माता हडिम्बा देवी का पुत्र हुआ जिनका नाम रखा गया घटोत्कच, जिन्होंने महाभारत में बहुत मुख्य भूमि अदा करी थी, जिसमें उन्होंने कर्ण के शक्तिवान को अपने ऊपर लिया था और अर्जुन की जान बचाई थी। तो कृष्ण जी ने वरदान दिया था कि घटोत्कच और माता हडिम्बा देवी को युगों तक याद रखा जाएगा, तो इस बलिदान को हम प्रणाम करते हैं। और माता हडिम्बा देवी का टेंपल जो कि मनाली में है, तो आप यहाँ पे आएँ और माता हडिम्बा देवी के दर्शन करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।